السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من كان لا يسلم جاره بوائقه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ وسلم نے چند نصیحتیں ارشاد فرمائی دی. بڑی اتق المحارم تكن اعبد الناس अल्लाह ताली की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचा लो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे ये नहीं कि तुम सारी रात नफल पढ़ रहे हो सारा दिन रोज़ा रख रहे हो बस ये करो कि हराम करदा चीज़ें गुनाहों को छोड़ दो तुम सबसे बड़े आबिद सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे और फरमाया वर्जा बिमा कसम अल्लाह लक अल्लाह रब ने जो तेरे लिए तकसीम कर दी है जो तुझे अता कर दिया है उस पर राजी हो जाओ उस पर राजी हो जाओ कनात इख्तियार कर लो कुन अगलन्नास तुम सबसे ज्यादा गनी सबसे ज्यादा मालदार बन जाओगे और आगे फरमाया वह आहसिन का अपने पड़ोसियों से हुसन सलूक किया करो तकुन मुसलिमा तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे पड़ोसियों के साथ हुसन सलूक और फिर कामिल मुसलमान हुजूर हजूर सल्लाम ने पड़ोसियों के साथ हुसन सलूक को कामिल इस्लाम के साथ जोड़ा है कितनी अजबत के साथ बयान किया है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो अल्लाह रबुल्जत ने कुरान पाक में जैसे कि आयत मैंने शुरू में पढ़ी अल्लाह ताला ने फरमाया व अबुदल्ला विकोबी सैया वह बिलवाल एहसाना फिर अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र फरमाया कि जिनके साथ अच्छा सलूक करना है सबसे पहले वालदे वालदेन का जिक्र फरमाया फिर रिश्तेदारों का जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका जिक्र फरमाया उसके बाद अल्लाह ताला ने पड़ोसियों का जिक्र फरमाया पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है पड़ोसियों अल्ला अच्छा की अल्लाह रबून ने तीन किस्में बयान फरमाई हैं वल वलजार कुरबा वो, वो पड़ोसी जिसकी दीवार और आपकी दीवार मुश्तरक है वो बिल्कुल आपके साथ वाला साझी दीवार है एक तो वो पड़ोसी फिर फरमाया वल वलजारल जुनूब और वो जो करीब रह रहा है यानी गली वाले एक घर छोड़ के दो घर छोड़ के तीन घर छोड़ के सामने वाले आसपास वाले जो आपके महल्लेदार हैं जो आपके करीब करीब रहते हैं वो पड़ोसी वह साहिब बिल जम और थोड़ी देर का पड़ोसी थोड़ी देर का साची तीन किस्म के पड़ोसी एक तो वो जिसकी दीवार आपकी दीवार के साथ मिली हुई है दूसरा वो जो बिल्कुल करीब रहता है आस पास अड़ोस पड़ोस में रहता है दीवार सांझी नहीं है लेकिन करीब है तीसरा वो जो थोड़ी देर का साथी है कलील वक्त का साथी है इन तीनों के साथ अच्छा सलूक करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है इसी आयत में वालदेन के साथ इसी आयत में अच्छे अच्छा सलूक करने का हुक्म अपने रिश्तेदारों के साथ और रिश्तेदारों के फौरन बाद जो अल्लाह पाक ने हमें अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया वो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और फिर पड़ोसियों की तीन किस्में बयान फरमा दी तीनों के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करना है हत्ता के जो थोड़ी देर का साथी है मिसाल के तौर पर आप लाहौर जा रहे हैं एक आम ट्रांसपोर्ट आम बस में बैठ के जा रहे हैं आपकी सीट के साथ जिस बंदे की सीट है वो आपका थोड़ी देर का साथी है ट्रेन में हवाई जहाज में जिसकी सीट आपके साथ है वो आपका थोड़ी देर का साथी है। आप किसी जगह बयान सुनने के लिए चले गए किसी मजलिस में चले गए आपकी कुर्सी के साथ थोड़ी देर के लिए जो भाई बैठा हुआ है वो आपका थोड़ी देर का साथी है। यानी थोड़ी देर के लिए भी कोई आपके साथ आके बैठ जाता है और उसको आपका थोड़ी देर का साथ नसीब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है आप अंदाजा फरमाएं कि किस एहतमाम के साथ पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हजूर सल्लासम के पास दो औरतों का तस्करा हुआ आके बताया जी फुला औरत बस फराइज पूरे करती है रात भर नफले नहीं पड़ती साल भर रोजे नहीं रखती बहुत ज्यादा सदकात जकवात नहीं देती फरस पूरे करती है थोड़ी बहुत इबादत करती है आबिदा, जाहिदा नहीं है अलबत्ता पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करती है ने फरमाया वो जन्नत में जाएगी दूसरी औरत का जिक्र फरमाया साहबा ने कि यार औरत वो बड़ी नमाजें पढ़ती है बड़ी जोर जोरें रखती है तिलावत में उसका वक्त गुजरता है जिक्र अजकार करती रहती है यानी कसरत इबादत का जिक्र किया कि वो बहुत इबादत करती है लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश नहीं है उसके पड़ोसी उसकी दी गई तकलीफ से अमन में नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिनार वो जहन्नम में जाएगी कहां गई सारी बातें कहां गए तेहजद के नवाफिल कुरान पाक की तिलावत जिक्र अफकार सदक़ात खैरात कहां गए पड़ोसी अमन में नहीं है पड़ोसी परेशान है इसकी वजह से फरमाया वो जहन में जाएगी अब अंदाज़ा फरमाए एक सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वम की खिदमत में आए अर्ज किया रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं जन्नत में चला जाऊँ उनको बड़ा शौक था अल्लाह के मेहमान खाने में जाने का जन्नत में जाने वाले आमाल ले जाने वाले आमाल आ आके पूछते थे मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं जन्नत में चला जाऊं अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम नेक बन जाओ जन्नत में चले जाओगे अब अगली बात सुनो रसूल अल्लाह मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं नेक हूं मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं नेक हूं अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें नेक कहते हैं तो तुम नेक हो अगर वो तुम्हें बुरा कहते हैं तो तुम बुरे हो अल्लाह कितनी बड़ी बात है अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें नेक कहते हैं तुम्हें अच्छा समझते हैं तो इसका मतलब है तुम अच्छे हो और अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं समझते जमाना जमाने के लोग तुम्हें अच्छे समझते रहे जब पड़ोसी तुम्हें अच्छा नहीं समझते तो इसका मतलब है तुम अच्छे नहीं हो तो गोया एक मायार बता दिया अच्छा कौन है जिसके पड़ोसी उसको अच्छा कहें बुरा कौन है जिसके पड़ोसी उसको अच्छा ना समझे वो बुरा है कितनी बड़ी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं अल्लाह की कसम वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं तीन दफ़ा अल्लाह रजियाल्ला ने बेताब होकर पूछा कौन या अल्लाह कसमें उठा के कह रहे हैं वो मोमिन नहीं वो मोमिन नहीं वो मोमिन नहीं तीन दफा फरमाया साहबा रसूल अल्लाह कौन फरमाया जिसके पड़ोसी उसकी अजियत से महसूज ना हो जिसके पड़ोसी उसकी दी गई अजियतों से महफूज ना हो जो पड़ोसियों को तकलीफ देता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में वो ईमान वाला नहीं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कोई इससे बड़ी बात हो सकती है कि दायरा ईमान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खारिज कर दिया जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ दे रहा है कर लो क्या करना है जितनी मर्जी टक्करें मार लो जब तुम अपने पड़ोसियों को तकलीफ दे रहे हो आमना का लाल कहता है ये ईमान वाला ही नहीं कसम उठा कहता है ये ईमान वाला नहीं तो ये बड़ा नाजुक मामला है अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना जरूरी नहीं कि पड़ोसी आपका हम पल्ला हो अगर आपके घर के साथ कोई झोंपड़ी लगाए बैठा है वो आपका पड़ोसी है वो पूरे पड़ोस के हुकूक का मुस्तहक है हती के अगर आपका पड़ोसी काफिर है तो भी आपको उसके साथ बुरा सलूक करने की इजाजत नहीं है आपको पता है मेरा पड़ोसी हिंदू है मेरा पड़ोसी ऐसा ही है तो भी उसके पड़ोस वाले हुकूक आपने अदा करने हैं उसको तकलीफ नहीं देनी उसको परेशान नहीं करना इतने पड़ोसी के हुकूक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कह के पड़ोसियों के हुकूक की अजमत को हमारे सामने उजागर फरमा दिया क्या फरमाया फरमाया जिब्रील मेरे पास आते रहे मुझे पड़ोसियों के हकूक की इतनी ताकीद की पड़ोसियों के हकूक में इतना कुछ बताया इतना कुछ बताया पड़ोसियों के हकूक के बारे में मुझे इतना उन्होंने जानदार तरीके से बार बार आके कहा कि मुझे यह ख्याल आया कि अब जिब्रील जब आएंगे तो वो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म भी लेके आएंगे कि पड़ोसियों को वरासत में भी हिस्सा देना है जो कि सगे रिश्तेदारों का हक है नस्में रिश्तेदारों का हक है और किसी का नहीं है फरमाया कि मुझे यूं गुमान होने लगा कि अब अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आएगा अल्लाह की तरफ से पड़ोस के हवाले से पड़ोस के हकूक के अहकाम में अब ये अहकाम भी आ जाएंगे कि पड़ोसियों को भी वरासत में हिस्सा देना है क्या मतलब आपके सगे रिश्तेदार और आपके पड़ोसी उन दोनों के हकूक में ये फर्क है कि ये आपकी वरासत के हकदार हैं और वो हकदार नहीं बाकी सब हकूक रहन सहन माशरत के खर्चे के नहीं माशरत के हुसन सलूक के जितने भी हुकूक हैं उनमें वो बिल्कुल आपके सगे रिश्तेदारों के बराबर है बिल्कुल आपके सगे रिश्तेदारों के बराबर है कितनी बड़ी बात इर्शाद फरमाती मुफ्ती शफी साहब रहमत ला मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद वो फरमाते हैं कि हमारे एक उस्ताद साहब थे मौलाना मियाँ असगर हुसैन साहब रहमत अल्लाह ने उनको माली वसत भी अता की हुई थी इसके बावजूद उनका घर कच्चा था वो एक मालदार घराने के फ़र्द थे किताबों का उनका वसी तजारत का सिलसिला था इसके बावजूद घर उनका कच्चा था जैसे ही मौसम में बरसात आता था कभी उनकी कोई दीवार गिर गई कभी उनकी इमारत को कोई नुकसान पहुंच गया और जब वो बरसात का सिलसिला खत्म होता था अब वो छतों की मरम्मतें करवा रहे हैं कोई बरामदा गिर गया है उसको ठीक करवा रहे हैं हमने देखा कि हर बरसात के मौसम में उनको बरसात के गुजरने के बाद अपना घर ठीक करवाना पड़ता था मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैं अपने उस्ताद जी के पास गया और मैंने कहा उत्ताद जी अल्लाह ने आपको माली वसत अता फरमाई हुई है आप पक्का मकान क्यों नहीं बनवा लेते पक्का मकान बनवा लें उन्होंने कहा वाह मुफ्ती शफी वाह मौलवी साहब आपने तो बड़ी अकलमंदी की बात की आपने तो बड़ी दानाई की बात की है हम तो बूढ़े हो गए आपने बड़ा प्यारा हमें मशवरा दिया है इतना कहा इतना अपने शागिर्द मुफ्ती शफ़ी साहब से ये बात कही बार बार दोहराई कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुझे शर्म आने लग गई कि पता नहीं मैंने कौन सा गलत मशवरा दे दिया है जो मुझे उनकी तबीयत में ज़राफ़त थी तो उन्होंने बार बार उस बात को दोहराया तो मैंने शर्मिंदगी के आलम में पूछा कि उसा जी मेरा मतलब यह था कि आप पक्का मकान क्यों नहीं बनवा रहे हर मौसम में बरसात के बाद आपको अपने घर की असलाह में पैसे खर्च करना पड़ते हैं वक्त लगाना पड़ता है आप क्यों मेरा ये मकसद था कि आप क्यों नहीं बनवा रहे तो मैं इधर मेरा हाथ पकड़ा घर से बाहर निकले मेरी पूरी गली में देखो तुम्हें तो कोई पक्का मकान नजर आ रहा है कहते मैंने सारी गली को गौर से देखा वहां कोई भी पक्का मकान नहीं था सारे कच्चे मकान थे फरमाने लगे कि मैं अपने पड़ोसियों जैसा ही रहना चाहता हूं मेरे अंदर इतनी इस्तेदात तो नहीं है कि मैं सबके घर बनवा सकूं अपना मैं पक्का बनवा के सब में नुमाया नहीं होना चाहता मेरे गरीब पड़ोसी क्या सोचेंगे कि मियाँ असगर साहब के पास पैसे हैं उन्होंने अपना पक्का मकान बना लिया हमारे पास पैसे नहीं है अगर मेरे पास इतनी ताकत हो कि मैं पूरी गली के मकान पक्के बनवा सकूं तो मैं बनवाऊं अपना भी साथ ही अपना मैं इसलिए नहीं बना रहा कि पड़ोसी का सोचे सुबह इन्हीं के पास एक मेहमान आया माली वसत थी माशाल्लाह घर में फरावानी थी आम वग़ैरह उसके सामने पेश किए जब मेहमान ने आम वगैरह खा लिए मेहमान शागिर्द ही था आम वगैरह खा लिए तो मेहमान ने कहा कि उस जी छिलके बाहर फेंक दो नहीं, नहीं 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 भाई छिलके बाहर नहीं फेंकने क्योंकि मेरे अड़ोस पड़ोस में वो लोग रहते हैं जो आम नहीं खरीद के खा सकते अपने बच्चों को नहीं खिला सकते लिहाजा इन छिलकों को बकरियों के सामने डाल दो बकरियां खा लेंगी गुठलियां कहीं दूर जाके फेंक दो और एक दफा इसी मौके पर घर में मेहमान आए आम खाए फल खाए छिलके बहुत ज्यादा थे मेहमान ने अर्ज की कि हजरत हम बाहर फेंक देते हैं नहीं बेटा ये तरीका नहीं है छिलके फेंकने का तुम्हें छिलके नहीं फेंकने आते फिर क्या करें जी आओ मेरे साथ तुम्हें छिलके फेंकने सिखाता हूं थोड़े से छिलके एक जगह रखे थोड़े से दूसरी जगह थोड़े से तीसरी जगह कहते एक ही जगह इतने छिलके रखेंगे हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे कि इतने ज्यादा इन्होंने आम खा लिए हमारे पास तो एक आम खरीदने का पैसे नहीं है इतना ज्यादा ख्याल इतना ज्यादा ख्याल एक हजूर सल्लाम की हदीस के रावी अबू हमजा सुक्करी बुजुर्ग गुजरे अबू हमजा सुख करी सुक्कर अरबी जबान में चीनी को कहते हैं अब इनके नाम में सुक्री का लफज क्यों है क्योंकि ये इतने मीठे अलफाज बोलते थे अपने पड़ोसियों के साथ इतना इनका प्यारा सलूक था इतना मीठा सलूक था कि इनके उन मीठे अल्फाज मीठे लहजे उनके अच्छे सलूक की वजह से इनका नाम सुक्करी पड़ गया गोया उनका नाम पड़ गया ये तो बड़ा ही मीठा बंदा है इसकी एक एक अदा मीठी है इसका एक एक बोल मीठा है ये दूसरों के साथ बड़ा ही मीठा सलूक करता है सुक्करी का आप ये तर्जुमा समझ लें ये मफहूम समझ लें अबू हमज़ा अबकरी रहमतुल्ला जो हदीस के रामी हैं, उनको अपना मकान बेचने की जरूरत पेश आ गई खरीदार आ गया सौदा तय हो गया सौदा अपने आखिरी मराहल में चला गया तय हो गया सोलह तारीख को मकान छोड़ देना है और इस महल्ले को छोड़कर कहीं और जाके मकान ले लेना पड़ोसियों को पता लग गया अहले महल्ला को पता लग गया कि अबू हमजा सुक्करी अपना मकान बेच के जा रहे हैं पड़ोसी जमा हो के आ गए शेख हजरत आप यह मकान छोड़ के नहीं जाएंगे नहीं मुझे जरूरत है मैंने मकान छोड़ के जाना है किसी और जगह पे जाना है सब सबने मुतफा तौर पर हाथ बांध के अर्ज की कि आपका उसके साथ क्या सौदा हुआ है जितने पैसों में आप मकान बेच रहे हैं हम अहले महल्ला उतने पैसे जमा करके आपके कदमों में डालते हैं आप हमारा सोच, साथ छोड़ के ना जाइए हमें आपका पड़ोस अजीज है उतने पैसे हम आपको उदिया कर देते हैं मकान नहीं छोड़ना आपने उन्होंने अहले महला की इस अकीदत को देखते हुए उस बंदे से माजरत की कि भाई मेरे महल्ले वाले मुझे मकान छोड़ने नहीं देते गालिबन अब्दुल्ला बिन मुबारक या कोई और बड़े दर्जे के आलि उनका नाम मेरे जहन से निकल पहली सदी के दूसरी सदी के उन्होंने वो जिस महल्ले में रहते थे इनका जो पड़ोसी था उस पड़ोसी ने अपना मकान बेचने का इरादा किया उसने अपना मकान बेचने का इरादा किया उसने खरीदार को मकान की दुगनी कीमत बताई अगर दो हजार दिरहम का मकान है तो उसने चार हजार दिरहम कहा मैं लूंगा उस इलाके में उतने मकान सारे ही दो दो हजार दिरहम के हैं जो भी कीमत है सब मकानों की इतनी कीमत है उसने कहा जी कि मैं इतने पैसे लूंगा मैं दो की बजाय चार लूंगा चार की बजाय आठ हजार लूंगा उसने कहा क्यों भाई आप डबल कीमत क्यों मांग रहे हो मैंने सबसे पता किया है इतने मकान की इतनी ही कीमत है इतने रुपये मरला है तुम ज्यादा क्यों मांग रहे हो मरला मैं आज की जबान में कह रहा हूं तुम इतनी ज्यादा कीमत क्यों मांग रहे हो उसने कहा दो हजार मकान कीमत मांग रहा हूं दो हजार पड़ोस की कीमत मांग रहा हूं तो मैं पता मेरे पड़ोसी कौन है पड़ोस की कीमत मांग रहा हूं कि मैं मजबूरी में ऐसा पड़ोसी छोड़ के जा रहा हूं इस पड़ोस की कीमत में दो हजार मांग रहा हूं उसने कहा यार वाकई तो ठीक है इतना अजीम शान पड़ोसी मुकदर वालों को मिलता है तो लोग अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा सलूक करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्षाद फरमाया तरकीब व तरहीब में अलैहि वसल्लम ने इर्षाद फरमाया जिसने पड़ोसी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी फरमाया जिसने पड़ोसी के साथ झगड़ा किया उसने मेरे साथ झगड़ा किया अल्लाह अकबर कुछ सोच सकता है हुजूर अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा करने का रूह कांप जाएगी तस्वुर नहीं कर सकता अभी मुसलमान हुजूर अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा करना अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं जिसने पड़ोसी के साथ झगड़ा किया वो ऐसे ही है जिसने उसने मेरे साथ झगड़ा किया और जिसने मेरे साथ झगड़ा किया वो ऐसे है जैसे उसने अल्लाह साथ झगड़ा किया अब बताओ इससे ऊपर पड़ोसी के हुकूक बयान किए जा सकते हैं कतई नहीं किए जा सकते इतनी बड़ी बात फरमा दी इतना बड़ा मकाम पड़ोसियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम घर में कोई फल लाओ तो पड़ोसियों के घर भी भेजो अगर तुम्हारे में इतनी इस्तेदात नहीं है कि तुम पड़ोसियों को फल दे सको तो छुपा के फल लाओ उनको नजर ना आए कि तुम्हारे घर कौन से पर भर भर के जा रहे हैं छुपा के लाओ उनको पता ना लगे इतना ख्याल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में तशीफ फरमा है एक साहिब आते हैं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गुम हुआ हुआ है और मैं उसको तलाश कर कर थक गया मुझे मिल नहीं रहा मैं बड़ा परेशान हूं वहां मजलिस में एक आदमी बैठे हुए थे उर्गा यार यार रसुल्ला इसके बच्चे को मैंने फलां जगह बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है अब कई दिन से उनका बच्चा या काफी देर से उनका बच्चा गुम हुआ हुआ था वो अपने बच्चे को तलाश कर करके हलकान हो रहे थे तलाश करके जब कहीं ना मिला तो इनका मलजा व मावा हजूर ही हुआ करते थे साहबा आके अपने मसले हजूर से सामने बयान किया करते थे या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए नहीं मिल रहा थक गया वो तलाश कर करके पता नहीं कहां चला गया वहां मजरिफ में एक भाई साहिब बैठे थे यार रसुल्लाह इनका बच्चा तो फोना जगह बच्चों के साथ खेलता हुआ मैंने देखा है जैसे ही ये सुना जेन में ख्याल आया कि वहां से कहीं और आगे पीछे ना हो जाए भाग के उसको लेके लेने के लिए जब चले पलटे अलैहि वसल्लम को बुला लिया फरमाया तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हें वहां मिल जाए तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हें वहां मिल जाए तो दूसरे बच्चों के सामने उसको प्यार ना करना दूसरे बच्चों के सामने उसको उसके साथ इजहार मोहब्बत ना करना उसको जो तुमने चूमना है जो सीने के साथ लगाना है वो अपने घर में जाके करना हो सकता है कि उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो जब तुम अपने बच्चे के साथ प्यार करोगे तो वो यतीम बच्चा ये सोचेगा कि आज मेरे अब्बा होते वो भी मुझे यूं प्यार करते इतना ज्यादा हुकूक का ख्याल इतना ज्यादा हुकूक का ख्याल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा शाह जिसका मसहूम है कि जिस शख्स की अजियतों से उनके पड़ोसी अमन में ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी तकलीफ से जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी अमन में ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा तो लिहाजा बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए अपने पड़ोसियों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स अपने घर को ऊंचा रखना चाहता है ऊंचा करना चाहता है उसको चाहिए कि पड़ोसियों की इजाजत में अगर ऊंचा ना करे ये ऊंचा करेगा उनकी हवा रुक जाएगी उनके आंगन में जो सूरज की किरणें बरह रास्त जाती हैं वो रुक जाएंगी लिहाजा उनसे इजाजत लेके फिर अपने मकान को ऊंचा करें। बेशुमार अदीस कुतुब अहादीस भरी बड़ी हैं, पड़ोसियों के हुकूक, इतने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए तो लिहाजा हमें इसका बहुत ख्याल रखता रिश्तेदार तो कम कम मिलते हैं पड़ोसी तो सुबह शाम मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना उनकी मदद करना हर हाल में उनका ख्याल रखना ये हमारे ऊपर गोया वाजिब कर दिया गया है अल्लाह ताला मुझे आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमत पे अमल करने की तोफ़ी कता फ़रमाए वख्रबाना अलहमद